हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई अपडेट में अर्बन एक्सटेंशन 2 के लिए। ये है अर्बन एक्सटेंशन 2 का पैकेज 3। अभी हम हैं नंगली सकरावती, ये दोनों साइड जो इंडस्ट्रियल एरिया है, नंगली सकरावती का ही इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये जो सामने है, ये यहाँ आगे ख़त्म होता है पैकेज 2, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि काफ़ी स्लो काम है। स्लो क्या है, अभी तो है टाइम इनके पास। ये फ्लाईओवर यहाँ से शुरू होगा और ये बहादुरगढ़ का जो स्तर है उसके पास जाके ये एंड होता है, ये वाला फ्लाईओवर। इसका भी एक अपडेट अभी दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल हम चलेंगे, आपको पैकेज 3 दिखाते हैं, यहाँ से लेके और एंड तक इसमें कितना काम हुआ है, सेक्टर 24 द्वारका तक। यहाँ तो हमने देखा ही है कि ये बिल्कुल कम्प्लीट है, ये इसके सर्विस रोड्स हैं। जैसे जो नजफगढ़ या नागले की साइड से लोग जो आएंगे, वो सर्विस रोड यहाँ से आएंगे और ये इसका एंट्री पॉइंट बनेगा, ये वाला, यहाँ से एंट्री कर पाएंगे। और सेम ऐसे ही जब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो फ्लाईओवर जो स्टार्ट होगा उससे जस्ट पहले एग्जिट भी है। जो लोग मान लो रोहिणी की साइड से आएंगे, वो लोग अगर उनको नजफगढ़ में एग्जिट लेना है तो वो उस पॉइंट पर ले पाएंगे। सेम हम अगर उस साइड भी देखें तो वहाँ भी एग्जिट इसी लोकेशन पर है। जो लोग द्वारका की साइड से आएंगे, वो नजफगढ़ जाना है, क्योंकि नजफगढ़ जाने के लिए जो साईं बाबा मंदिर के पास से जो फ्लाईओवर है उसमें एग्जिट नहीं है, तो उन लोगों को भी यहीं से एग्जिट लेना होगा इस वाले पॉइंट से। पैकेज 3 में आने के बाद लगता है कि बिल्कुल टाइम पे ये जो है रोड ये बन जाएगा, क्योंकि पैकेज 2 काफ़ी डिले है अपने टाइमलाइन से। एक यहाँ अंडरपास भी है, ये भी देखा आपने, ऐसे अंडरपास आगे भी हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आ गया एग्जिट, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये सामने साइन बोर्ड भी आ गया, नजफगढ़ और उत्तम नगर के लिए यहाँ से एग्जिट लें और द्वारका या IGI एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल सीधा जाएं। तो फ्लाईओवर अभी बंद है तो सीधा तो हम नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं और यहाँ से हम जैसे पहले श्याम विहार जाते थे वैसे चलेंगे। फ्लाईओवर के ऊपर हम एक बार जा चुके हैं जब ये खुला हुआ था। अब देखिए, ये है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो एग्जिट है वो है 3 किलोमीटर के बाद श्याम विहार है, मतलब ये 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, तो बीच में कोई एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। और इवन नजफगढ़ से भी जो लोग जाना चाहते हैं द्वारका की साइड, वो अगर साई बाबा मंदिर की साइड हैं तो वो दिचाऊ के जो फ्लाईओवर बनेगा अभी उसके नीचे से यू टर्न लेके जा पाएंगे, या नांगले की साइड जाकर और दिचाऊ से तब इस पर आ पाएंगे, मतलब सीधे उनको एंट्री नहीं मिलेगी इस पर। ये हम आ गए हैं श्याम विहार में और यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा वापस अर्बन एक्सटेंशन 2 पर जाने के लिए। ये जो प्लान है ये 2010 में DDA ने बनाया था और उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया था, ज़मीन ख़रीदना और सड़कें बनाना, जहाँ जहाँ ये बना पाए इन्होंने बनाया। अगर उसी टाइम पर ये बना देते, जैसे अभी तो NHAI ने इसको 2018 में अपने अंडर में लिया, उससे पहले DDA ने ही इसे बनाया था, तो अगर उसी टाइम ये
ज़मीन ले लेते तो ये जो फ्लाईओवर बना है 3 किलोमीटर लंबा, तो ये यहाँ सर्विस रोड भी होती है और नजफगढ़ वालों को 20% भी वहीं से मिल जाती है, क्योंकि अब क्योंकि जगह की दिक्कत थी और कॉलोनीज को तोड़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें दिक्कत ज़्यादा थी। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट लैंड था जैसे जल बोर्ड का और दिल्ली मेट्रो का, उसमें पिलर बना के उसके ऊपर से फ्लाईओवर निकाल दिया। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये था कि अगर DDA से अपने टाइम पर बना देता तो काफ़ी सहूलियत हो जाती। जैसे मदनपुर रानीखेड़ा के बैक साइड से इसको निकाला गया तो ये बिल्कुल सीधा आता, उसकी लेंथ भी कम रहती और उसको इतना घुमाना भी नहीं पड़ता। तो ये कुछ होते हैं जो टाइम पे अगर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ये सामने है अर्बन एक्सटेंशन 2, ये साईं बाबा श्याम बाबा का मंदिर, ये जो सीधे हाथ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, और नाम ही है का श्याम विहार फेस 1। अब ये सब लोग हाईवे पे, इन्हें मतलब इन छोटी सड़कों से निकल के मेन पर जाना होता था तो इनकी बहुत सहूलियत हो जाएगी। यहाँ बस पहले ये देखते हैं कि फ्लाईओवर इस साइड से खुला हुआ है या नहीं, अगर खुला होगा तो मैं इस साइड से जाकर आप दिखाता हूँ इसमें कि कितना इसमें काम हो गया है। इस साइड से भी ये बंद किया हुआ है, यहाँ से तो ये बंद किया हुआ है। ये अंडरपास भी बना हुआ है पैदल वालों के लिए यहाँ पर, ये फ्लाईओवर के जस्ट शुरू होने वाले पॉइंट पर। ये हम आ गए हैं श्याम विहार, जैसे सामने ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए जैसे वहाँ नगली सकरावती में लिखा हुआ था कि 3 किलोमीटर बाद एग्जिट है, ये सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ ये एग्जिट है। और पैदल जाने वालों के लिए इसमें अंडरपास ही बनाया हुआ इन्होंने सबवे, और जो फ्लाईओवर है वो बंद है, इस साइड से ही बंद है, और अगर यहाँ देखें तो ये भी बंद है। मतलब इसके बंद का मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी है, काम कुछ नहीं बचा, क्योंकि नहीं तो इनकी गाड़ी खुद की भी जानी होती है उसके लिए भी ये खुला होता, तो इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट है, सिर्फ NHAI को हैंड ओवर करना है। कोई इनका भी इंजीनियर मिलेगा तो पूछता हूँ। ये सब इन्होंने बनाया हुआ है पैदल जो लोग जाएंगे उनके लिए। यस, बीच वाले हिस्से में तो अभी पानी होगा तो नहीं जाते, एक साइड सीढ़ियाँ हैं एक साइड ये, लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ तो उन्होंने यहाँ भी लगा दी तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बाइक्स तो अभी भी नहीं जा पाएंगी इसमें। ये देखिए और ये इनका मिक्सिंग यार्ड है कंपनी का, अब यहाँ काम लगभग ख़त्म हो चुका है तो ये भी अब वाइंड अप होगा। एक ये अंडर पास एक यहाँ है, एक नगली सकरावती में है जो भी हम आए हैं, एक यहाँ से भी हम आगे चलेंगे जो गोयला वाला फ्लाईओवर है उसके नीचे भी एक, उसके बाद द्वारका के पास हैं दो, लेकिन बाकी पैकेज 1 और 2 में नहीं देखा मैंने ये बनाते हुए भी। ये बिल्कुल कंप्लीट है, मार्किंग भी इसमें हो चुकी है, लाइट्स भी लग चुकी हैं, आगे जो साउंड बैरियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट है, बस सिर्फ ये है कि अभी NHAI को हैंडओवर नहीं किया है तो इसलिए भी इसको नहीं खोला गया है। ये है चैनेज 32+200, मतलब यहाँ से 32 किलोमीटर है GT रोड।
जहाँ पे ये जाके NH-44 से मिलेगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं सेक्टर 24 की साइड। ये तो कंप्लीट है बिल्कुल, इसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ पब्लिक के लिए इन्हें खोलना है। अभी कल भी कमेंट आया था, आज भी आया था संदीप पूनिया जी का, वो पूछ रहे थे कि पैकेज 3 रेडी हैं तो क्या वो बहादुरगढ़ की साइड जा सकते हैं। तो सर पैकेज 3 तैयार है, लेकिन जा इससे अभी भी नहीं सकते क्योंकि ये फ्लाईओवर इन्होंने बंद किया हुआ है, और इसको बाईपास करके अगर श्याम विहार में से होते हुए हम जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से 3 मिनट का है वो लगभग 15-20 मिनट में होगा। तो अभी फ़िलहाल जहाँ से जाते हैं वही रूट इस्तेमाल करें, इसमें अभी टाइम लगेगा। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ सेक्टर 24 द्वारका की साइड में, क्योंकि अभी मैंने देखा कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। जो आने वाला कैरिजवे है द्वारका की साइड से, अब उस पर हम जाएंगे क्योंकि ये गोयला वाला फ्लाईओवर इस तरीके से ओपन है। ये देखिए, ये लेफ्ट में आपको दिखाई देगी, ये एंट्री है श्याम विहार के लोगों के लिए। जो गोयला की साइड से आएंगे, जो श्याम विहार से आएंगे, वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं इसमें। यहाँ ये मेन कैरिज वे पर जा सकते हैं, हम यहाँ से अब घुमा लेते हैं। फिलहाल तो हम इसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ये आने वाले टाइम पे इस्तेमाल होगा। जो श्याम विहार से या गोयला से जो लोग आएंगे वो यहाँ से एंट्री लेंगे और सीधे इस पर जा सकेंगे, क्योंकि इसके आगे सर्विस रोड वैसे भी नहीं है। स्पीड लिमिट इस पे 80 का है, जो कि ध्यान रखना, मतलब हाईएस्ट यही है दिल्ली में, ये मत सोचना है कम है, दिल्ली में हाईएस्ट यही है। NH-344M जो मेन, ये 3 पैकेज है, ये 344M है सेक्टर 24 तक। उसके बाद जो बहादुरगढ़ पर है वो 344N है, N फॉर नागालैंड, और जो सोनीपत वाला है वो 344P है। ये स्टेप से इनको नाम दिए गए। ये अब हम आ गए हैं गोयला फ्लाईओवर के ऊपर, उस साइड से भी वैसे खुला हुआ है शायद, लेकिन अब इस साइड आ गए तो यहीं से चलते हैं। लगता है कि बिल्कुल टाइम पर काम हो जाएगा, मतलब हो गया है, लेकिन पैकेज 2 और एक और 2 को देख के लगता है कि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी मैंने पूछा था कि भाई कब तक इसका काम कंप्लीट होगा, तो कईयों ने बोलिया जून 2024 या दिसंबर 2024, मतलब इतना लेट प्रेडिक्शन किया है कई लोगों ने इसके लिए। तो मतलब लोगों को नहीं ऐसे उम्मीद ये टाइम पे काम ख़त्म हो जाएगा। ये इसका आप बाई साइड में देखें, इसका नेक्स्ट एग्जिट के लिए लिखा है 400 मीटर के बाद ताजपुर या छावला जाने के लिए। एक अभी हम देखेंगे जो साहिबी नदी है, उससे जस्ट पहले जो हाई टेंशन लाइन थी वो भी बता रहे थे हमारे कि जो हाई टेंशन लाइन्स हैं वो भी उनकी हाइट ज़्यादा की या नहीं की, अभी वो भी देख लेते हैं। जो पैकेज है पैकेज 3, ये लगभग 10 किलोमीटर का पैकेज है। तीनों पैकेज में सबसे छोटा पैकेज यही है, और 10 किलोमीटर का पैकेज है, बिल्कुल कंप्लीट है। और GCL जो कंपनी है वो इसे बना रही है। एक अंडरपास ही है, सबवे पैदल लोगों के लिए
ये शायद लेफ्ट में कुतुब विहार है, उन लोगों के काम आएगा ये, क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा उसके बाद इस पर सड़क से रोड क्रॉस करना बड़ा रिस्की हो जाएगा, इसलिए ये इन्होंने पहले ही अच्छा किया है कि ये बना दिए हैं। इसमें जहाँ जाके ये एंड होता है, हम उसके बाद भी इसमें जा सकते हैं, जयपुर रोड तक हम जा सकते हैं। काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे का, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस है चलने का। अब इसकी नेक्स्ट एग्जिट यहाँ लिखी हुई है द्वारका सेक्टर 1924, मतलब अब साहिबी नदी के बाद इसमें एग्जिट, मतलब एक एग्जिट अभी आ जाएगा जिसको 24 या 19 की साइड जाना है, वो इसी एग्जिट से बाहर निकल जाएगा और साहिबी नदी में भी जो सर्विस रोड्स हैं उससे होते हुए वो द्वारका वाले इस वाले हिस्से में जा पाएगा। एक ये सबवे ये आ गया इसमें, ये 4 या 5 सबवे हैं इस वाले हिस्से में। वाले इससे को इन्होंने बंद किया, पता ये जो हाई टेंशन की लाइन है, ये जो पोल अब इसके नए लगा दिए हैं, इनकी हाइट कम थी उस टाइम जब ये बंद किया हुआ था। और इसके बाद ये ब्रिज है साहिबी नदी का, अब सच में नदी की जैसे दिखाई दे रही है। बस यहाँ से कुछ दूर के बाद सेक्टर 24 है, वहाँ ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में है अर्बन एक्सटेंशन सेकंड ही, लेकिन वो अब बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडर में। अभी तो हमारा फोकस है ये देखने भी कि अर्बन एक्सटेंशन सेकंड कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाला हिस्सा जो कंप्लीट होगा उस इस साइड से अभी हम आए हैं और यहाँ आकर ये पैकेज एंड हो जाता है। ये है द्वारका सेक्टर 24, उसके बाद ये आगे से बना रही है जो कंपनी, वो है जे कुमार, द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडर में ये बनेगा और यहाँ से लेके और ये NH 48 तक ही जाएगा जयपुर रोड तक, और यहाँ से शुरू हो जाएगा एलिवेटेड वाला सेक्शन। ये देखिए यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन शुरू हो जाएगा। अभी तो इन्होंने अपना कास्टिंग यार्ड बना हुआ है जे कुमार ने, जो जे कुमार कंपनी है उसने अपना यहाँ कास्टिंग यार्ड यहाँ बनाया हुआ है, और आने वाले टाइम पे जब ये कंप्लीट होगा तो यहीं से होके एलिवेटेड सेक्शन शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में बिल्कुल बताना, और सब्सक्राइब के लिए 2 सेकंड का टाइम ज़रूर निकालना। ओके भाई लोगों, थैंक यू।